उत्तराखंड का वो जांबाज अफसर जिसे कहा गया दुश्मनों का कारण, वो मजबूत हौसले वाला अफसर जिसने घायल होने के बाद भी नहीं छोड़ी पोस्ट, 1971 के युद्ध में जिसकी वीरता के आगे उखड़ गए पाकिस्तान के तंबू, उसका अदम्य साहस देख राष्ट्रपति ने दिया था वीर चक्र और सेना मेडल। वीरों की भूमि उत्तराखंड, यहां घर घर में ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया जिनकी गाथाएं युगों युगों तक लोग याद रखेंगे। आज कहानी 1971 के युद्ध के हीरो की, वो हीरो जिसके हौसलों के आगे पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। हम बात कर रहे हैं कर्नल मनोहर सिंह चौहान की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के दंतोली गांव के रहने वाले कर्नल मनोहर सिंह चौहान वो शख्स हैं जिसने बचपन में सिर्फ और सिर्फ सेना में जाने का ख्वाब पाला था। 22 अगस्त 1971 को 21 साल की उम्र में ही मनोहर सिंह चौहान ने कमीशन हासिल किया और भारतीय सेना में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट ज्वाइन कर लिया। कर्नल मनोहर को 4th गोरखा राइफल्स की 1st बटालियन में पोस्टिंग मिली। ये बटालियन उस वक्त जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में तैनात थी। 3 दिसंबर 1971 को दुश्मन के हवाई जहाज श्रीनगर की ओर उड़ते हुए देखे गए। शाम को खबर मिली कि दुश्मन ने देश के पश्चिमी क्षेत्र में भी लड़ाई शुरू कर दी है। जैसे जैसे अंधेरा हुआ, दुश्मन ने पूरे पुंछ सेक्टर में फायर करना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा फायरिंग दुर्गा और लंगूर पोस्ट में की जा रही थी। तकरीबन 7:30 बजे दुश्मन ने लंगूर पोस्ट में हैवी मशीन गन से डायरेक्ट फायर शुरू कर दिया। उस समय सेकंड लेफ्टिनेंट मनोहर चौहान फॉरवर्ड सेक्शन पोस्ट में ही मौजूद थे। दुश्मन ने चैलेंज किया, तुम हमारे कब्जे में हो, अपने हथियार डाल दो। इतना सुनते ही मनोहर सिंह चौहान की प्लाटून ने एक साथ सभी हथियारों से फायर खोल दिए। इतनी भारी मात्रा में एक साथ फायर आते देख दुश्मन हक्का बक्का रह गया। सेकंड लेफ्टिनेंट चौहान एक फायर पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाते समय पूरी तरह घायल हो गए। जवानों का हौसला कम न हो, इस वजह से उन्होंने चुपचाप मॉर्फिन इंजेक्शन खुद पर लगाए। उन्होंने किसी को एहसास नहीं होने दिया कि वो घायल हो गए हैं। तकरीबन 2 घंटे की भीषण लड़ाई के बाद दुश्मन ने पीछे हटना शुरू कर दिया था। इसके बाद भी दुश्मन ने कई बार कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सका। मैं 4th गोरखा राइफल की 1st बटालियन से हूँ और ये बटालियन उस समय पुंछ जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले में गोलपुर सेक्टर में तैनात थी। 7:30 बजे के करीब दुश्मन ने हमारे ऊपर HMG हैवी मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और RCL के ट्रेसर से फायर करना शुरू कर दिया। पोस्ट में चारों तरफ सूखी हुई लंबी सरकंडा घास थी जिसमें आग लग गई। नतीजा पूरी पोस्ट जो है एक आग के बाउल की तरह बन गई, आग के कुएं की तरह बन गई। जब दुश्मन आगे बढ़ा तो हम लोग सब पोजीशन लिए बैठे थे और जैसे ही वो हमारे मार के रेंज में मतलब फायरिंग रेंज में आया, हमने पूरी प्लाटून के हथियार एक साथ खोल दिए और इसी के साथ मैं रेंगता हुआ नंबर 3 प्लाटून ऊपर जहाँ पर MMG लगी हुई थी वहाँ पर गया और वहाँ से उनके ऊपर MMG का फायर गिराया। पहले ही हमारा उनके ऊपर LMG 2-inch मोटर, रॉकेट लॉन्चर और सभी प्लाटून के हथियारों का फायर गिराया जा रहा था जिससे दुश्मन जो है वो बहुत हैवी मात्रा में उसकी कैजुअल्टी हुई, वो मारे गए। जो 2-4 अंदर घुस आए थे, 2-4 तो नहीं थे, 10-12 काफ़ी घुस आए थे जिनको हमने डायरेक्ट फायरिंग से मारा जो रेंज में थे, जो और 2-4 अंदर घुस आए थे उनको जवानों ने खुखरी निकाल कर खुखरी से उनको मार दिया या किसी की टांगें काट दी, गला काट दिया, क्योंकि गुरखाज इन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने में मैं घायल हो गया था। घायल होने पर मैंने अपने ये जवानों को किसी को नहीं एहसास होने दिया कि मैं इतनी बुरी तरह घायल हो गया हूँ। अपने आप ही मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाकर वहाँ फर्स्ट फील्ड ड्रेसिंग इस्तेमाल कर ली थी दोनों जगह पर और सबको हथियार और एमिनेशन भेजता रहा था। तकरीबन 2 घंटे लड़ने के बाद दुश्मन ने हैवी मात्रा में जो उनका नुकसान हुआ था
वो वापस जाने लगे। इस दौरान हमने अपने जो घायल, हमारे भी 6 लोग घायल हो गए थे, उनको हमने इकट्ठा किया और उपचार किया। सेकंड लेफ्टिनेंट मनोहर सिंह चौहान ने इस लड़ाई में प्रेरणादायक नेतृत्व, अदम्य साहस, कर्तव्य परायणता और बलिदान का परिचय दिया, जिसके कारण दुश्मन का हर हमला नाकाम रहा। इनकी इस बहादुरी के लिए भारत के राष्ट्रपति ने इनको वीर चक्र से सम्मानित किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तराखंड के इस जांबाज अफसर ने नागालैंड और मणिपुर में नागा और कुकी उग्रवादियों के कई उग्रवादी कैंप बर्बाद कर दिए। कर्नल मनोहर सिंह चौहान के अदम्य साहस और प्रेरणादायक नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति ने उनको सेना मेडल से भी अलंकृत किया। धन्य है देवभूमि के ऐसे वीर सपूत, जिनकी वीरता और पराक्रम को देख दुनिया इन्हें सैल्यूट करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज़।